गुजरात की वीरमगाम सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। अहमदाबाद से करीब 60 किलोमीटर दूर इस सीट से बीजेपी ने हार्दिक पटेल को उम्मीदवार बनाया है। हार्दिक पटेल इस चुनौतीपूर्ण सीट पर अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन के सबसे बड़े चेहरा थे और वो कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस को लेकर क्या है उनका कहना, देखते हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र के साथ हार्दिक पटेल की ये खास बातचीत। हार्दिक बहुत चर्चित चेहरे हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, वीरम गांव से उनसे बात करेंगे। हार्दिक बहुत कठिन सीट है, क्या कहना? आपको लगता है, हमको तो नहीं लगता कि कठिन है, क्योंकि लोगों का प्यार और उत्साह मिलता है। हम भी लोगों से बात उसी प्यार और उत्साह के साथ करते हैं। और वीरम गांव को एक रीजनेबल पॉलिटिक्स करनी है, वीरम गांव को जिला बनाना है, वीरम गांव में विकास करना है, तो कोई कठिन रास्ता नहीं होता। अगर आपके साथ लोगों का प्यार मिले तो उस रास्ते भी सरल हो जाता है। जीते आप तो सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी वीरम गांव को लेकर, वो थोड़ा सा बताएं, चूंकि जनता जानना चाहती है। नहीं, वीरम गांव को जिला बनाया जाए, वीरम गांव को सुंदर अच्छी जो व्यवस्था है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, अच्छी कॉलेज है, अच्छी अस्पताल है, वो दिए जाए, उसके लिए काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी पर क्या कहना, उनके बड़े नेता प्रचार के लिए बहुत कम आ रहे हैं। सिर्फ राहुल गांधी देखिए, बहुत कम चुनाव प्रचार किया, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बहुत कम चुनाव प्रचार करते, तो इस बार कांग्रेस वैसे लड़ते नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कांग्रेस को भी आप जानते हैं, आखिर क्या वजह आप मानते हैं? कांग्रेस के पास गुजरात के लिए विजन नहीं है, कांग्रेस के पास गुजरात कैसा होना चाहिए उसकी कोई चर्चा नहीं है। वो सारी चर्चा और विजन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी से कई नेता जो छोड़े और बीजेपी में आए, आप जैसे चर्चित चेहरे जो पाटीदार आंदोलन के चेहरे थे वो बीजेपी में आए, अल्पेश ठाकुर बीजेपी में आए, तो क्या बीजेपी के साथ ही एक तरह से गुजरात आगे बढ़ सकता है, ये सोच है? या बिल्कुल बीजेपी के साथ ही गुजरात आगे बढ़ सकता है और लोगों का भरोसा है बीजेपी के साथ। अंतिम सवाल, आपकी प्राथमिकता क्या होगी आगे राजनीति में, अगर सत्ता में बीजेपी दोबारा वापस आती है? वीरमगांव अन्य तहसीलों से अच्छा बने, वही मेरी प्राथमिकता है। तो हार्दिक पटेल जिन्हें बीजेपी ने वीरमगांव से चुनाव मैदान में उतारा है, हमसे बात कर रहे थे, तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे कि कैसे उन्हें भरोसा है कि वीरमगांव की जनता का साथ बीजेपी और उन्हें मिलने वाला है। कैमरामैन संजय जैना के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज़, वीरमगांव।